बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ लेमन सब्ज़ी मसाला। लेमन सब्ज़ी मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और इनको एक टेबलस्पून बराबर नमक डाल के मैंने उबाला है और फिर इनको मैंने काट लिया है। इसके अलावा हाफ केजी टमाटर है, टमाटर को मैंने बहुत छोटा छोटा चॉप कर लिया है और दो बड़े साइज़ के प्याज मैंने काट लिए हैं, आपने इनको भी चॉप कर लेना है। इसके अलावा दो शिमला मिर्च यानी बेल पेपर, इनको कदरे मोटा मैंने काट लिया है और ये हरी मिर्चें हैं, दो किस्म की हैं। ये हल्के कलर वाली जो मिर्च है ये बहुत तेज़ है, इसलिए मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ। और साथ ये तेज़ सब्ज कलर की मिर्च आती है, ये बहुत तेज़ नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल भी साथ कर रही हूँ। तो ये दोनों मिर्चें एक कप के बराबर मैंने ली हैं। इसके अलावा लेमन है, छह लेमन है, मैंने इनको स्लाइस में काट लिया है। आधा कप हरा धनिया है और आधा कप के बराबर मैंने अचार लिया है, ये रेडीमेड मिक्स अचार है, आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। एक खाने के चम्मच बराबर मैंने लहसुन पेस्ट लिया है, गार्लिक पेस्ट में मैंने एक आधा चाय का चम्मच बराबर धनिया पाउडर डाल के इसको पीस लिया है। इसके अलावा मिर्ची ली है मैंने, ये सुर्ख मिर्च पाउडर है और ये आधा चाय के चम्मच बराबर है। नमक एक फुल चाय के चम्मच बराबर है और कसूरी मेथी एक खाने के चम्मच बराबर और हल्दी पाउडर एक चाय के चम्मच बराबर है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डल रही हैं तो आप लाल मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अचार की क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अचार में भी काफ़ी स्पाइसेस होते हैं तो आप मिर्चों को स्किप करना चाहें या नमक की मकदार कम करना चाहें तो कर लें। तो अब मैं इसको बनाती हूँ। अब आपने आधा कप बराबर ऑयल डालना है, उसमें शिमला मिर्च डाल देनी है, मीडियम फ्लेम रखें आप और इसमें शिमला मिर्च डालें, इसमें इसको हल्का सा फ्राई कर लें। एक मिनट के लिए मैंने शिमला मिर्च को फ्राई किया और ये फ्राई हो गई, बस हल्की सी नरम हो गई है, थोड़ा ये पकाते हुए नरम हो जाएगी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब गर्म ऑयल में आपने प्याज डाल देनी है, इसमें और इसको आपने तेल आंच पर फ्राई कर लेना है। प्याज कदरे पक गई तो अब इसमें हरी मिर्चें डालूंगी, हरी मिर्चें आप सारी डाल दें। इसमें चंद सेकंड के लिए आपने मिर्चों को फ्राई करना है, तकरीबन 30 सेकंड के लिए आप मिर्चों को फ्राई कर लें। अब आप इसमें लहसुन पेस्ट भी शामिल कर दें, लहसुन पेस्ट को भी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, चंद सेकंड के लिए करना फ्राई। अब लहसुन भी फ्राई हो गया, अब इसमें नमक मिर्च और मसाले डालूंगी। फिर बता रही हूँ, आप मिर्चों की मकदार कम भी कर सकते हैं क्योंकि हरी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसमें और आप टमाटर डाल लें, इसमें अब आपने इसको तेज आंच पर पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक।
अब आप देखें कि 5 मिनट में ये टमाटर अच्छी तरह से नरम हो गए हैं और ये साइडों से ऑयल निकल आया है। टमाटर भुन गए तो अब मैं इसमें अचार मिक्स करूंगी। इसमें अचार मिक्स करें, चम्मच चला दें ताकि सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब शिमला मिर्च भी शामिल कर दें, इसमें अच्छी तरह से मिक्स करें और चंद सेकंड के लिए इसको भून लें आप। अब साथ आप आलू भी डाल दें इसमें। हरा धनिया भी शामिल कर दें इसमें। अब मैंने 1 मिनट के लिए इसको मजीद भून लेना है ताकि आलू के अंदर भी मसाला अच्छी तरह से जल हो। एक मिनट बाद ये अच्छी तरह से भून गया तो मैं इसको सिर्फ 2 मिनट का दम दूंगी लेमन डाल के। अब इसमें लेमन डालूंगी बिस्मिल्लाह। लेमन को मिक्स कर दें और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे आपने दम देना है। ढक्कन दे दें और लो फ्लेम कर दें। लेमन सब्जी मसाला तैयार है। बहुत मज़े का बहुत स्पाइसी सालन बनता है, चटपटा सा, और आप इसे सर्व करें तंदूरी रोटियों के साथ, ख़ास तौर पर पूरियों के साथ सर्व करें या वाइट राइस के साथ, तो सब बहुत इंजॉय करेंगे। और ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।